सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, जो हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल और हम सीख रहे थे फोटोशॉप के तमाम टूल्स के बारे में, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 12 में, यानी 12वें अध्याय में। तो हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में सीख लिया था, जो कि हमारा चल रहा था ब्रश टूल। चलिए तो चलते हैं उन पर। एक बार ब्रश टूल पर जाने के बाद पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे हेल्प करो, इस लिंक से फोटोशॉप डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर जो अदर आपके कमेंट्स आ रहे थे उनका एक छोटा सा जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ कि मैंने कमेंट्स में दूसरी लिंक डाल दी है। वो एक्चुअली लिंक्स क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद करप्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने लिंक डाली है वो करप्ट नहीं होगी और आपको फोटोशॉप का जो पूरा सेटअप मात्र 14 MB में दिया है और आपको सारा सेटअप मिलेगा जो मैं ही यूज करता हूँ वो का वो, और उसको कम एमबी में मैंने करके वहां पर डाला है, जो कि सॉफ्टवेयर कन्वर्टिंग होती है उसकी सहायता से, और आप अच्छे से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें मैंने जो है उसका हैकिंग करके उसमें थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया कि आपको कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री रहेगा। तो इसकी कन्वर्टिंग मैंने किससे की है वो भी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल प्रोसेसर है, इसमें आपको काफी दिन लगते हैं, इस तरह से नहीं सीखी जाती। तो अभी फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप में इस तरह से देखिए, मैं अपने फोटोशॉप में आ गया और हम सीख रहे थे ब्रश टूल के बारे में, ब्रश टूल के बारे में सीख रहे थे, उसके बाद पेंसिल टूल का यूज। तो इस वीडियो में थोड़ा मैं लंबा खींचूंगा, क्योंकि इसमें दो टूल्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपका जो अध्याय है वो जल्दी से पूरा हो जाए। सिंपली ब्रश टूल का जो हम यूज सीखेंगे, ये देखिए जो पहले से मैं इसमें सिलेक्टेड था, ब्रश टूल का हम यूज सीख चुके हैं इसे, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको रहने देते हैं हम। उसके बाद में जो है पेंसिल टूल, और हम इस पेंसिल टूल का यूज सीखेंगे। पेंसिल टूल का यूज बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से जो सेम वही यूजेज है पेंसिल टूल के जो ब्रश टूल कहते हैं, इसको थोड़ा साइज छोटी कर लेते हैं, छोटे कोष्टक से, कोष्टक का जितना था बड़े वाले से तो है जो आकार बड़ा होता है, सॉरी राइट वाले से जो आकार बड़ा होता है, लेफ्ट वाले से आकार छोटा होता है, इस तरह से देखिए आप करके देख लीजिएगा, तो आपके सामने दिखता भी रहेगा और आप इसकी साइज छोटी रहेगी तो आप अच्छे से देख भी सकते हैं। सिंपली पेंसिल टूल का यूज ये होता है, जो सेम ही होता है, इसका क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि हम एडवांस सीरीज में जब हम चलेंगे तो आप बताएंगे कि अभी इसका कोई यूज नहीं, कोई नहीं यूज नहीं एडवांस सीरीज में भी ज्यादा। जब मैं आपको शादी वगैरह के एल्बम बनाना सिखाऊंगा या फिर बैनर कार्ड, वेडिंग कार्ड वगैरह जब बनाना सिखाऊंगा तब तो थोड़ा सा यूज है इसका, तब वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद एक बार कलर रिप्लेसमेंट छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक बार थोड़ा सा मिक्सर टूल के बारे में बता दूं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। मिक्सर ब्रश टूल का यूज होता है एक्चुअली चेहरे को ब्लर करने में, ये मतलब आपने देखा होगा किसी मीडिया को जब कोई आतंकवादी वगैरह होता है, उसके हमें चेहरा नहीं दिखाता, उसकी इमेज को थोड़ा ब्लर कर देता है, तो धुंधला सा कर देता है, इसी तरह इमेज को धुंधला करने में काम आता है एक्चुअली। कलर मिक्सर टूल से आप नाम सुन रहे होंगे, आपकी फोटो जिस कलर में, ये मान लीजिए आपने रेड कलर का शर्ट पहना है या जो कलर का शर्ट पहना हो, उसी कलर में उस बैकग्राउंड में आपकी इमेज को मिला देगा। तो आप यूज करके बता देता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो ये देखिए इसको ब्लर करना है, तो देखिए इस तरह से ब्लर कर देगा, इसका चेहरा नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको मीडिया में चलते हुए वीडियो में दिखाते हैं। वो वीडियो एडिटिंग की बात है जो लगातार चलते रहते हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में जब बताऊंगा तब आप उसमें अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद देखिए पूरे कलर सहित आपकी पिक्चर को इस तरह से मिक्स कर सकता है, ये देखिए बैकग्राउंड में आपकी ये जो आप चारों ओर कलर देख रहे हैं इसी कलर में क्यों मिक्स हुआ, क्योंकि ये सारे कलर आपके ड्रेसेस, माउथ से, हेयर सब से मिलकर बन चुके हैं, इस तरह से देखिए। तो इसे कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टूल जो है कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसका यूज में होता है कपड़ों को चेंज करने के लिए कि आपके कपड़े का जो कलर है वो चेंज हो जाता है सिंपली। इसको तो दूसरी फोटो पर हम समझने की कोशिश करते हैं, इस पर अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो इस फोटो पर हम इस पिक्चर का जो है ड्रेस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या होती है इसकी। जो यहाँ पर आप देखेंगे वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यह फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है अभी सबसे ज्यादा उस यूज में ले जा रही है, जिसका नाम है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार यह कलर छोड़ता चलेगा। एक्चुअली इस प्रॉपर्टीज का क्या विशेषता है, तो आप थोड़ा सा इसे एक बार के लिए साइज बड़ा कर लीजिए। अब इस जो कलर का ये रिप्लेस करेगा वह वही कलर रिप्लेस करेगा जहां यहाँ पर फोर बैकग्राउंड कलर में जो कलर रहेगा, यहाँ पर फोर बैकग्राउंड में जैसे ब्लू करना है तो ये ब्लू हो जाएगा, रेड करना है तो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज होता है। और एक्चुअली इसका क्या फायदा होता है, तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में एक साथ ही आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली आप देखिए इससे चलते हैं तो ये जो प्लस का निशान है ना, जहां जहां रहेगा वहां वहां का कलर ये रिप्लेस करता हुआ चलेगा, वहां से कलर को चेंज करता हुआ चलेगा, याद ध्यान रहे कलर प्लस का निशान बाहर ना जाए। और जो सेकेंड इसको प्रॉपर्टीज है, जिसका आप नाम से ही थोड़ा देख सकते हैं, तो
सैंपलिंग वंस एंड, एक बार जो सैंपलिस्ट ने जहां से उठा लिया वो वही कलर लेती है, उसके अलावा कोई कलर रिप्लेस नहीं करती है, फिर उससे मिलता जुलता कलर रिप्लेस नहीं करती। मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर लिया ये वाला कलर ब्लैक कलर, यहाँ से ब्लैक कलर को चेंज करना है, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया तो ये मान लीजिए इसमें तो सारा एक ही कलर है। ये मान लीजिए आपने हेयर का कलर सिलेक्ट कर लिया, हेयर का कलर जैसे आप रिप्लेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे थोड़े ब्राउन कलर्स में आ गए, जो बाल थे वो थोड़े हल्के काले हो गए, तो यहाँ से वो कलर को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि उसने यहाँ से सैंपल उठाए, तो इस तरह के वो कलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इसका यूज होता है, यहाँ से देखिए वो कलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जो एक कलर लेगा उसको ही रिप्लेस करेगा, दूसरे उससे मिलता जुलता या फिर उससे थोड़ा छाया में गहरा हो जाता है उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। परंतु ये सबसे बेहतरीन जो पहली प्रॉपर्टी है वो साबित होती है क्योंकि ये आपके सारे जो है कलर को रिप्लेस कर देता है बहुत ही आसानी से। उसके बाद में आ जाता है सैंपलिंग बैकग्राउंड स्विच, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी जो है ये कलर को छोड़ देता है थोड़ा सा, ये जो यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर में जो कलर होगा वो ये उसको चेंज करेगा और इसका कोई खास यूज नहीं है, एक साथ ही समझा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, डिसकंटिन्यूज कंटिन्यूज और फाइंड ईडीएक्स, ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगी, फाइंड ईडीएक्स इसके बारे में समझिए, कंटिन्यू डिसकनेक्ट डिसकंटिन्यू क्या होता है। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू एक्चुअली होता है कि यदि आप कंटिन्यूस रखते हैं तो जो कलर रहेगा, ये मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला कलर, ये मान लीजिए जो पीछे फ्लावर आपको दिख रहा है, ये दो फ्लावर कती आपको दिख रही है, यहाँ से आपने इस पंक्ति का कलर जो है ग्रीन करना है, तो आप ग्रीन करने के लिए क्या करोगे, इस पर सिंपली क्लिक करते हुए चलोगे, लेकिन जैसे आप ग्रीन पर क्लिक करोगे तो आप वापस जाकर यहाँ से आकर इसको ग्रीन करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यूस पर रहेगा तो ये ऑटोमेटिक इस रेड कलर को जो है वो कनेक्ट कर लेगा और यहाँ से यहाँ पर जाते इसको भी जो है कर लेगा, क्या इसको भी ग्रीन कर देगा। लेकिन यदि आप डिसकंटिन्यू पर रहते हैं तो यहाँ से यदि स्पेस आ गया तो इसके बाहर जो रेड है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से बीच में इसके जो है कलर की जो लाइन बॉर्डर है वो आ चुकी है, यहाँ तक ही रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन कंटिन्यू में अच्छे से रिप्लेस कर पाता है। चलिए सिंपली पहली प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझाते हूँ, बाकी आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि बहुत ईजी है ये तो यार, और बाकी एडवांस लेवल में आपको और भी यूज बताऊंगा, बहुत मजा आने वाले फोटोशॉप को सीखने में। तो देखिए इस ड्रेस का जो है कलर चेंज करके देखते हैं, ये देखिए सिंपली आपको क्लिक करते हुए चलना है और थोड़ा प्लस के चिन्ह का ध्यान रखे, और तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्लस के चिन्ह का ध्यान रखिए, वरना ये देखिए बाहर निकल गया, तो इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से आपको चेंज कर देना है, देखिए आप करते चलिए बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन से कलर का जो है शर्ट पहना था। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए थोड़ा सा प्लस के चेंज का, देखिए यहाँ पर बॉडी पर ले लेता हूँ तो इस तरह से आ जाता है, इसको उठा दीजिए, तो बॉडी पर आपको नहीं लेना है, इस तरह से आप इसका कलर जो है ब्लू कर सकते हैं, ये देखिए पूरे शर्ट का जो कलर है मैंने ब्लू कर दिया है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, आप देखेंगे पता नहीं चल पा रहा है कि यार ब्लू बना था कि ब्लैक बना था, बहुत अच्छे से कलर जो है चेंज हो चुका है, आप चाहे जो कलर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो इस टूल के बारे में इतना ही सिखाऊंगा, नेक्स्ट टूल के बारे पर हम चलते हैं फिलहाल के लिए, नेक्स्ट टूल जो है जो स्टैम्प टूल है हमारा उसके बारे में हम सीखेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल कुछ नहीं, इसका ज्यादा एडवांस लेवल में यूज होता है जब हम 3D जो आकृति है वो बनाते हैं, जैसे वेडिंग एल्बम में हम 3D दिल बनाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी डिजाइनिंग करते हैं, या फिर 3D में जो गणेश जी वगैरह बनाते हैं, कलश वगैरह बनाते हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। अभी क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बता दूँ, पैटर्न स्टैम्प टूल के बेसिक ही मैं यहाँ पर बताऊंगा, दोनों के वैसे तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, यूज तो हम वैसे एडवांस में सीखेंगे अभी आप, ताकि जान पाओ कि ये टूल्स आखिर होते किस काम के हैं। तो चलिए क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस इमेज पर मैं आपको नहीं समझाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा इस पर भी मैं आपको करके बता देता हूँ, इसकी साइज बड़ी कर लीजिए, वो इस उसी टूल की सहायता से जो मैंने बताया था शॉर्टकट क्या बड़ा कोष्टक, जैसे आप ऑप्शन बटन पर क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हैं, यानी राइट वाले बटन पर क्लिक करके आप इसे इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है यूज होगा उसी तरह जिस तरह से आपका हेलिंग ब्रश टूल यूज हो रहा था, हेलिंग ब्रश टूल का जो वर्क था उसका सेम वर्क, थोड़ा सा डिफरेंट है ये आपके देखिए, यहाँ से देखिए सॉरी इसको थोड़ा मैं इस इमेज को थोड़ा कंट्रोल एड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने अभी कंट्रोल एल जब दबा दिया, वैसे भी हमें इससे कोई मतलब नहीं, एल को फ्रेश करते हुए आपको यहाँ पर जो कलर का सैंपल आपको चाहिए वो उठा लीजिए, जैसे मेरे को ये वाला सैंपल चाहिए, यहाँ से जो सैंपल चाहिए था वो आ गया,
तो अब आप जहां पर भी सैंपल को ले जाकर जो है पेस्ट, सॉरी इसमें सैंपल नहीं है, इस तरह से आप क्लिक कर लीजिए। अब जहां पर भी आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए पीछे वो जो है मेरी इमेज हो चुकी है, इस पर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा तो दूसरी इमेज पर चलते हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छी सी मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी बेटर टूल है ये, ताकि आप जो अपने बैकग्राउंड में के थोड़ी हल्की पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने पीछे, तो आप यहाँ की जो ओपेसिटी है वो कम कर लीजिए, हल्की हो जाएगी। जैसे कि आपने कई इमेजेज में देखा होगा पीछे वो हल्की इमेज लगाते हैं, देखिए इसकी तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो मेरी आंखें हैं वो आ रही है, इसे तो मैं कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी, सॉरी इसकी जो साइज है वो कम कर लेते हैं, और इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं, और यहाँ से देखिए स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो आंखें हैं वो मेरी आ चुकी है इस तरह से। अब आप इन आंखों को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए, और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है जो 100% है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, सॉरी फ्लो ने ओपेसिटी, ओपेसिटी कम कर दीजिए। ये देखिए मैं 54 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये इमेज जो है काफी, जो मेरी जो आईज है वो हल्की आ रही है। एक्चुअली इस टूल्स का यूज होता कहाँ कहाँ है, इस टूल का यूज होता है तो बैकग्राउंड में थोड़ी हल्की इमेज डालने के लिए, या फिर आपकी जो आईज, नोज या किसी की लिप्स वगैरह जो आपको पसंद आ रहे हैं तो वो लिप्स दूसरे फोटो पर ट्रांसफर करने के लिए, अपनी फोटो पर ट्रांसफर करने के लिए, या फिर जो अपनी जो नोज है वो दूसरी इमेज पर ट्रांसफर करने के लिए, या फिर अपने आईज को दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, या 3D आईज बनाने के लिए जैसे शिव जी की होती है उस तरह की आईज के लिए, या फिर आप बैकग्राउंड में जो है इमेज लगाना चाहते हैं हल्की वगैरह, या फिर अपनी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं सेम टू सेम वहां पर कॉपी उतारना चाहते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, उसी तरह से अभी मैं इसको कंट्रोल एल्ट जेड करता हूँ, इसी इमेज पर सिलेक्ट करके देखते हैं हम इस टूल को, और एल्ट को फ्रेश करते हुए हमें कुछ नहीं करना, और ये यहाँ से इसका सिलेक्शन ले लीजिए। ये देखिए अब आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं सिंपली, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आ गई, यहाँ पर वापस कर दीजिए, ये तो इसकी फोटो आ रही है, और यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए पूरी इमेज आ चुकी है, इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए, इस तरह से आप चाहे जितनी ओपन कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी थोड़ी हम बढ़ा देते हैं, और इस बार देखिए ट्राई करते हैं। ये देखिए ओपेसिटी बढ़ाई तो ये जो है क्लियरली आ गई है इमेज, ये देखिए, ये देखिए कैसे इसकी कॉपी हो गई आपको पता भी नहीं चला, और इसे कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए इसको बारीकी से थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इस तरह से देखिए हो रहा है अच्छे से, ये देखिए पीछे आ गई अच्छे से इमेज, और आपकी जो इसको हल्का करना है तो ओपेसिटी कम कर दीजिए, और इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए एक बार के लिए, और यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का करके मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी सैंपल एक बार फिर से उठा लेते हैं, और यहाँ पर जो है अब हम पेस्ट करेंगे सिंपली, इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी कम करके देखते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आ जाएगी, यदि आप यहाँ और कहीं पर भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो यही इमेज यहाँ पर होगी, क्योंकि इस एक बैकग्राउंड पे सिंगल इमेज होगी। इस तरह से आप इसकी जो है इमेज को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ओपेसिटी आपको कम करनी है हल्की इमेज लेने के लिए, और भी बहुत सारी यूजेज हैं, एक इमेज और क्लिक करके इस पर मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। तो सिंपली आप मान लीजिए ये वाली जो इमेज है, और इस इमेज को हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, ये वाली इमेज, इस वाली इमेज को हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, एल्ट को प्रेस कीजिए, यहाँ पर सैंपल उठा लीजिए, और वापस हमारे वॉलपेपर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर सिंपली आपको इस तरह से आप अच्छे से उसको कॉपी कर दीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल एल्ट जेड कर लेते हैं, और उसकी साइज को थोड़ा छोटा रखते हुए साइज को छोटा कर लीजिए, छोटे कोष्ठक की सहायता से जैसे कि मैंने बताया था वैसे ऑप्शन बटन पर क्लिक करके रख कर लीजिए इस तरह से। देखिए सॉरी थोड़ा सा ऊपर आ रही है, थोड़ा सा नीचे से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये इमेज को जो है कंट्रोल टी करके आपको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, सॉरी आप सैंपल थोड़ा ऊपर से उठाइएगा, मैंने थोड़ा सा नीचे से उठा लिया, मैंने थोड़ा सा इस तरह से आप इसको ला सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको वो सैंपल उठा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा जो है चेंजिंग आ गया उसमें, तो एक बार के लिए एल्ट दबा लीजिए और यहाँ से आप सैंपल उठाइए। ये देखिए अब बताता हूँ इस तरह से, देखिए ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए अच्छे से आ रहा है पिक्चर जो है अंदर मिक्स होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए
और ये बैकग्राउंड में अच्छे से इमेज थोड़ी हल्की भी दिखाई दे रही है। यदि आप इसे हल्की नहीं करना चाहते हैं ओपेसिटी फिर से 100% कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से 100% करेंगे तो इस पर फिर से क्लिक करते हुए चलेंगे तो एकदम क्लियरली आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए आपकी इमेज पूरी 100% आ चुकी है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से आ चुकी है। अब जो है इसके लिप्स वगैरह भी आप कॉपी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए और किसी और लिप्स पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं। वो आप करके देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। और आप यहाँ से देखिए इसके पीछे भी इस तरह से ये देखिए चेहरा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे टूल्स के बारे में थोड़ा सा इसका जो है पैटर्न टूल के बारे में मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। पैटर्न टूल के बारे में समझने के लिए यहाँ से आप देखेंगे जो इसका जो बॉटम साइज है वो इस तरह से होता है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्चुअली यूज होता है हमारे चेहरे पर थोड़े दाग डालने के लिए या फिर घाव डालने के लिए, इस तरह से इसका यूज होता है। लेकिन ये एडवांस लेवल में सीखेंगे किस तरह से इन पर घाव डाले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं इसमें बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले सके। ये जो इस तरह से देखिए इस तरह का कलर था बॉटम का तो इस तरह से आ रहा है, यदि आप और कलर डालेंगे तो और कलर आएगा। ये देखिए यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ और एंटी एंगल पर आप क्लिक रहने दीजिए और इस तरह से देखिए ये दाग डल रहा है थोड़ा, तो इस डार्क कलर जैसे ही मैं दो चेंज कर दूंगा वैसे ऐसे लगेगा कि आपके चेहरे पर चोट लगी हुई है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा अभी यदि अभी बताए तो, क्योंकि ये अभी आपकी यूज का भी नहीं है। देखिए इस तरह से आपको इसका कोई खास यूज नहीं है वैसे, और यूज होगा ऐसी बात नहीं है कि होगा, लेकिन 3D आकृति है जो है बनाने में होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा नहीं खींचूंगा, तो आप बेसिक नॉलेज देते हुए चलिए। वैसे भी आपके बेसिक नॉलेज में कहीं पर काम नहीं आने वाला, जहां पर काम आएगा मैं इनकी प्रॉपर्टीज सीधा आपको सारा समझाऊंगा। आप टेंशन फिक्र न करें और मेरे फोटोशॉप की सीरीज को देखते रहिए और सीखते रहिए फोटोशॉप के तमाम कोर्स के बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आने वाले समय में कंप्यूटर के सारे जो है कोर्सेज लेकर आने वाला हूँ, ताकि जिससे आप आसानी से कंप्यूटर का ज्ञान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई बाजार में जाकर सेंटर पर जाकर पैसे देने कोई जरूरत नहीं, फ्री में कोर्स कीजिए और आप अपने लिए बेहतर से बेहतर कंपनी में जॉब लगिए, क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइनर में आपको पूरी तरह से बना दूंगा। उसके बाद में और भी जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, तो आप चलते रहिए सीखते रहिए मेरे इस टेक्नोलॉजी से। और मैं इस पर टेक्नोलॉजी और टिप्स भी डालता रहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में भी डालता रहता हूँ, आपको छोटी छोटी जो टिप्स है वो बताता रहता हूँ कंप्यूटर के बारे में, या फिर आने वाले वीडियो में मोबाइल के बारे में बताता रहूँगा। तो आप अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाता हूँ और आपका सपोर्ट मुझे इस तरह से मिलता रहे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।